गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सर आज आप लोग जो डॉक्टर टॉकिन का ट्रांसफर के लिए आप लोग यहाँ में मीटिंग बैठक किया गया, तो आज के इस मीटिंग का आउटकम क्या है? आज का मीटिंग का आउटकम ये है, हम लोग आज जो भी मेंबर्स लोग आलो टाउन का या वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना सीनियर सिटीजन है, हम लोग सब बैठ के डिस्कस किया है और ये फैसला किया है कि डॉक्टर टोकेन का जो ट्रांसफ़र है उसको गवर्नमेंट कैंसिल करना है बोल के हम लोग गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा। तो सर आप लोग ATPWDS आलो टाउन को लेके बहुत मीटिंग बैठक किया जाता है, तो स्पेशली अभी देखेंगे कि जो न्यू मार्केट एरिया है उसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ख़राब है, आप खुद देखता होगा जब बारिश गिरता है, तो वो लोग को भी देखते हुए आप लोग भी उस दिन भी मीटिंग बैठक किया गया था, तो लेकिन अभी तक वो अभी सॉल्व नहीं किया गया, तो इसके ऊपर आप लोग क्या कमेंट्स करेंगे? नहीं नहीं, उसको तो हम लोग लास्ट मीटिंग में हम लोग डिसीजन लिया है, जो TTC कंपनी का जो है वो हम लोग का इधर में उनका कंपनी का डायरेक्टर वो प्रवीण पादु है ना, उनको हम लोग ले करके विजिट करेगा, विजिट करके उसको किसको क्या करना है ऐसा करेगा बोल के हम लोग ऑलरेडी डिसीजन लेके रखा हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेदर ज़्यादा गर्मी का वजह से अब देख रहे हैं हम लोग सब सीनियर सिटीजन है, थोड़ा सा एजेड है, इतना धूप में हम लोग घूमने नहीं सकते, सोच के थोड़ा सा वेदर ठीक होने दे बोलकर हम लोग रुका हुआ। ओके सर, तो आप लोग मीटिंग नहीं बैठने से पहले जितना भी आलो का मीडिया है उसको भी दिखाया गया था कि ये चीज़ हमें जो दुकानदार है दुकान शॉपकीपर है उन लोग को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, और जो दुकान शॉपकीपर है उन सभी भी जो TTC का डायरेक्टर पादु सर को उसको भी कंप्लेन दिया गया ऐसे सुनने को भी आ रहा था, तो ऐसे देने का बावजूद भी जो डायरेक्टर सर है पादु सर तो उसको नज़रअंदाज किया गया बोल रहा था, तो किस बात को लेके वो जो ड्रेनेज जो ये ड्रेन को लो क्वालिटी ड्रेन का बारे में ना क्वालिटी को भी इतना लो क्वालिटी भी बनाएगा उसमें लीकेज भी आता है। हाँ, ड्रेन में हम लोग भी देख रहे हैं, ड्रेन थोड़ा सा हम लोग का देखने में हम लोग तो ले मैन है टेक्निकल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं बारिश के समय में रास्ता में बारिश का पानी बहुत जमा हो रहा है, ड्रेन का अंदर नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग और जो TTC का डायरेक्टर है उनको रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग बहुत जल्द घूमेगा कहाँ कैसे उसको दुरुस्त करना है, हम लोग उनको रिक्वेस्ट करेंगे। ओके सर, तो आप लोग ऑटो जो न्यू मार्केट ऑटो स्टैंड जस्ट अपोजिट साइड में एक पार्किंग प्लेस बनाया गया सर, हाँ। तो आप लोग वो सब बनाने का बाद वो इतना गंदा फैला हुआ है, फैला के रखा हुआ है जो पब्लिक है, और उसमें देखा गया है कि सेम अभी क्या सेम क्वेश्चन ही होगा सर, उसमें ड्रेन सिस्टम भी नहीं है, जो पानी उसमें जमा होके पूरा ऐसे पूरा ये खराब हो जाता है, तो इसको लेके आप लोग क्या स्टेप बताएगा? वो जो हम लोग जो गैरेज को उसको हम लोग पार्किंग प्लेस में हम लोग जो बनाया है उसको ना, हाँ उसको लेके भी बात ऐसा है, उसमें वो जो गंदगी वाला है अगर वहाँ में कुछ गंदगी हो रही है वो तो अर्बन डेवलपमेंट का काम है, वो हम लोग का काम नहीं है, और अगर कुछ नहीं हो रहा है अर्बन डेवलपमेंट एक्शन नहीं ले रहा है, हम लोग बात करेंगे अर्बन डेवलपमेंट को ना, और प्लस वहाँ में मार्केट साइड में तो उधर मार्केट कमिटी है, उन लोग भी थोड़ा देखना चाहिए, वहाँ में मार्केट का सामने में बहुत गंदगी जमा हुआ है, उन लोग भी देखना चाहिए, और अगर कोई नहीं देख रहा है हम लोग देखेगा उसको बात करेगा, लेकिन बात मेन बात यह है वो गैरेज वो आलो जो मेन मार्केट है ओल्ड मार्केट एरिया में पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत भीड़ भाड़ होता है, और वो जो PW गैरेज जो है ऐसे पड़ा हुआ है 30-40 साल से ऐसे पड़ा हुआ है, इसलिए उसको गैरेज में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोग बातचीत सब कुछ हो गया, अभी सिर्फ वहाँ में एक पावर डिपार्टमेंट का एक JE ऑफिस है उसको शिफ्ट करना है, उसके लिए भी जगह हम लोग ठीक कर दिया है, जो थाना का सामने में जो PW का स्टोर है वहाँ में उनको जगह दिला दिया है, उन लोग वहाँ शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करने के बाद में वो जितना उसका अंदर में स्ट्रक्चर है बिल्डिंग वगैरह जो भी है उसको PW हटाएगा, उसके बाद हम लोग का ऑनर MLA केंटो जी ने सब रिस्क लिया है उसको वो अच्छा से डेवलप करेगा। ओके, तो सर अभी आपको ये जो सिपू कॉलोनी का ब्रिज है तो एक
पीएल एन से आता है एक ये आरके मिशन साइड से ये आता है, तो ये बीच में काबू साइड से जो जाता है पीएल एन से साइड, तो वो एक चीज मतलब उसमें एक रिस्क पॉइंट हो गया डाउन होके। हाँ समझ गया। उसमें भी देखा गया कि दो बार एक्सीडेंट हुआ होता है, तो उसको लेके आप लोग ATPWDA स्टेप नहीं उठाएगा? उठाएगा, हम लोग वो भी बात हम लोग सोच कर रखा है। हम लोग BRTF का कमांडेंट को बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर हम लोग मिलेगा, उनको रिक्वेस्ट करेगा उनका रास्ता को थोड़ा सा उस पोर्शन में थोड़ा रेज करके अच्छा से मिला देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। ओके तो सर आप लास्टली जो अभी डॉक्टर टोकिन एहतेसार को लेके ये चीज़ सोशल मीडिया में भी आप खुद देख रहा होगा बहुत इशू बन रहा है क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, बोल के व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया में बहुत ये इशू बन रहा है, तो इसको लेके आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए पब्लिक जो इशू बना रहा है, पब्लिक टोकन का सर्विस को उनको बहुत पसंद आया होगा, उनका सर्विस को लोग चाहता है कि कंटिन्यू रहना है हॉस्पिटल में, इसलिए बोल रहा होगा। और सरकार हो या कोई भी हो, जो पब्लिक जो बोलता है उसको सुनना चाहिए, सरकार भी पब्लिक ज़रूरत में ही बोलता है ना। अभी आलो में 3 गायनी है, वो डॉक्टर है, फिर वो भी कम है क्योंकि आलो आपका वेस्ट सियांग, लेपारादा, सी योमी, सियांग डिस्ट्रिक्ट पूरा का पेशेंट आलो में आता है, यिंगक्योंग और यिंगक्योंग का भी वो पूरा आलो में आता है, 3 डॉक्टर भी कम है यहाँ में, इसलिए वो तीनों में से किसी को नहीं आता ना, सिर्फ टोकेट नहीं है, तीनों में किसी को नहीं आता ना, रखना है उसको, बहुत ज़रूरी है गायनी डॉक्टर को। और गवर्नमेंट देखिए, हम लोग आलो में अभी 4-5 साल से आई डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं दिया है? तो इसलिए जो डॉक्टर नहीं है उसको उस तरफ ध्यान नहीं देता है, उधर आलो में 3 थे ऐसे ध्यान देने से नहीं होगा ना, इसलिए ये डॉक्टर जो गवर्नमेंट जॉब खुद ये तीनों डॉक्टर अपने आप नहीं आया है, गवर्नमेंट भेजा होगा, भेजा बोल के आया है, तो अभी पब्लिक देख रहा है ये 3 डॉक्टर भी कम हो रहा है गायनी का ना, गायनी लोग तो बहुत मैंने कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, बहुत इमरजेंसी होता है, एक दो डॉक्टर से होता नहीं है, इसलिए 3 डॉक्टर का बहुत ज़रूरी है, तीनों से किसी को नहीं आता है, सिर्फ नॉट ओनली मैंने टोकन। ओके तो सर ये लास्टली है, जो अभी मेडिकल में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो सर वो सुनने में है कि 18 मंथ्स के अंदर पूरा ख़त्म करना है, पूरा बना के, तो अभी कल भी हम लोग DMO सर को जस्ट पूछा था, तो ये दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट करना है बोल के कल वो खुद बोला था, तो इसके ऊपर उसको तो बिल्डिंग का जो अभी कंडीशन है उसको देख के दिसंबर में तो बनेगा नहीं है, 1-2 साल में भी बनेगा कि नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा मॉनिटरिंग करना ज़रूरत है। हमने मॉनिटरिंग टीम एक तो बनाया था, लेकिन उनका हेड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम का वजह से स्टेशन में नहीं है, इसलिए मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, अभी हम दूसरा एक किसी को रिक्वेस्ट करके मॉनिटरिंग करवाएगा हेड, उसमें से मॉनिटरिंग का जो टीम का जो चेयरमैन है वो नया एक चेयरमैन बना के उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। हम लोग का आलो में या कहीं भी हो, रोड हो, बिल्डिंग हो, हम लोग पब्लिक अभी पहले जैसा नहीं होना है, सो हमेशा मॉनिटरिंग करना है, नहीं होने से उन लोग मेरा बात सुन के खराब पाएगा होगा, ठेकेदार इंजीनियर लोग जितना अच्छा से काम करना है चाहिए नहीं करता है, पब्लिक थोड़ा सा इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ओके तो सर ये मॉनिटरिंग करते ही रहते हैं मतलब ना सर सुनते हैं ये आप लोग का, हम भी आप लोग ATPWDA ग्रुप में भी है सर, तो उसमें देखते हैं कि उसमें मॉनिटरिंग ना टीम बनाता है तब भी लेट होता है जो काम है, ये डेट को ये मंथ को मतलब इतना समय को ख़त्म करना चाहिए बोलते हैं, लेकिन उसमें मॉनिटरिंग टीम बनाता है तब भी ख़त्म नहीं होता है, आप लोग का बात को नहीं सुनता है सर, तो आप लोग ये मॉनिटरिंग करने का बावजूद भी काम नहीं चलता है, तो क्या कहना चाहिए सर? देखिए ये काम जल्दी होना ना होना सिर्फ ATPWDA के ऊपर में नहीं होता है जी, उसमें बहुत बात है, गवर्नमेंट का भी बात है, लोकल MLA का बात है, पब्लिक का बात है, बहुत बात है, सिर्फ ATPWDA से तो सब कुछ होगा नहीं ना, तो इसलिए ATPWDA अपना तरफ से जो कर सकता है हम लोग करते रहते हैं। थैंक यू सर। ओके।